यम छो हम। चित्रगुप्त जी महाराज। चित्रगुप्त यूं दियो थे यूं का पाप गिनाओ ताकि यूं का मृत्यु का उपरांत मियो निर्धारण कर सकूं कि यूं ते नरक भेजे जा या स्वर्ग। अरे ये मत दिखनी क्या छे हमारा ते सभी आज छक्कनम करे चरण भाई साहब क्या बात करना चला। अरे यहां रजिस्टर क्या दिखने आए हमको तो तुम स्वर्ग की सीट पक्की कर दिया भाई। और जय मां 36 प्रकार का व्यंजन बने हो खट्टी हो मीठी हो पर खबरदार कड़ी न हो। पीण में अगर रह गया तो मैकडॉल आरसी यानी कि रॉयल चैलेंज किंग फिशर अरिस्टोक्रेट और जनिवा कर तो खबरदार एक बार भाई साहब नंबर वन नील है मूड खराब हो जाएगा। और हाँ उर्वशी मैन का रंभा क्यों तीनों तलें। और हाँ ललता पवान ना लें खामोश। तुम दो या ना भगवान सिंह दगड़ी कत का बार धोखा करी और आज तक कुल मिला के 8,500 रुपए ठगे वे मन। अरे तू एक करवी था। अच्छा वे खुड़े कैन बोली कि तुम मेरे पर विश्वास कर है? वो तू भाई साहब घन्ना की दिमागी को कमाल जियो। घन्ना एक बात भाई साहब मन पड़ आज तक मीन सुनी चाहिए पर आज देख भी आल कि परलोक में एक एक पैसा को हिसाब किताब हूं कन बता फिट 8,500 रुपया न एक पैसा ऊंद और न एक पैसा उब। भगवान सिंह ते ठगने का कारण तुम दुया खुना 3 साल को सश्रम नरकवास। अरे भैया ठग तो यू हो तो नरक में था कि ले भाई। अरे दार तो तुम दियो लिपिया छाई। तुम दुया न साल भर पहली कलम सिंह को बप्पिया चिराया छाई। अरे साहब चोरी थी उल्लू का पठन चे मिंत सिर्फ कचे खामोश। अबे खाते तुम दियो ले चो। निर्दोष बुक्तिया की जान का बदला मा तुम दुया खुण 5 साल को नरकवास। इसका बड़ी सजा। अरे अरे महाराज अर्जुन मेरे का जान मिथे रोज झाड़ून मर दी कम से कम हुई थे भी सजा दिया हुआ। खामोश। अबे झाड़ू तो मेर का जान भी मर दे। महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आए मैं बहुत पिक्चर देखी और वो पिक्चर में जो यमराज को रोल करने वाले हो दो वो संस्कृत और हिंदी में बात कर दो पर है मैं पहले यमराज देखना छो जो गड़गड़ में बात करना छो ये बात नहीं है मेरे समझ में। अबे वो यानी कि मैं गड़वली यमराज छो। तू गड़वाल महाराज तेरी या पौड़ी चमोली। अरे खामोश ये क्षेत्रवाद की बात तुम जना मूर्ख लोग कर दी। सरा गढ़वाल थे एक मनुद और गढ़वाल क्या मिसर उत्तराखंड थे एक मनुद। चित्रगुप्त समझाओ यूं दी मूर्खों थे। जी महाराज। अरे मूर्ख हमारे यम लोक मा हर भाषा को अलग अलग डिपार्टमेंट च जब कोई मद्रासी मर्दू तो तमिल डिपार्टमेंट बटी यमराज भेजी जांद और जब कोई गढ़वाली कुमाऊनी मर्दो तो गढ़वाली कुमाऊनी डिपार्टमेंट बटीक यमराज भेजी जांद समझे। कमाल चुप है यमलोक मार की व्यवस्था है बताओ यार है यमलोक मा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को डिपार्टमेंट च और हमारे ये उत्तराखंड मा जगह ये भाषा च उख कोई डिपार्टमेंट नहीं चे बड़ी शर्म की बात चे बैठ तेरे की। अरे ये तुम्हारी और तुम्हारी सरकार की प्रॉब्लम चे। पर महाराज हमारी सरकार नहीं था भाषा मान दी नहीं चे और कई लोग तो हिंदी बोलता ना कि कुमाऊनी यार गढ़वाली बल भाषा नहीं बोली चे। अरे अच्छी याद दिले। महाराज आप तो विद्वान आदमी छा आप तो जन्म और मृत्यु का रहस्य थे जानना चाह लेकिन आज एक रहस्य से पर्दा उठे दिया कि गढ़वाली बोली च कि भाषा 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 तुम्हारा आज लोग तब बोले किला बोलता न। अरे मूर्ख छी अज्ञानी छी गढ़वाल भाषा संसार की कई भाषाओं की तरह समृद्ध च सामर्थ्यवान च यख तक कि संसार की कई भाषा तो ये से कम समृद्धशाली छी। लगभग 8वीं शताब्दी में गढ़वाल भाषा अस्तित्व में आया और 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक तो
यह भाषा कड़ल राज्य की राजभाषा का रूप बन रहा है। पवार वंश का 34वां राजा राजा जगतपाल ने अपुर राज्य में ही भाषा थे राज्य भाषा का रूप में स्थापित कर और संवत 1512 और सन 1455 में वेन देवप्रयाग में गढ़वली भाषा में एक ताम्र पत्र स्थापित कर जो आज भी मौजूद छ और एक बाद गढ़ल भाषा में असंख्य शिलालेख दान पत्र ताम्र पत्र भित्ति चित्र और अनेक प्रकार की मुद्राएं मौजूद छी। कुछ लोग बोल दिन कि यह भाषा हो ही नहीं सकता क्योंकि यह को कोई प्रमाण नहीं छ और कुछ लोग तो इन तक बोल दी कि यह भाषा हो ही नहीं सकत क्योंकि यह की कोई लिपि नहीं छ। अरे जब यूरोप की ये बड़ी बड़ी भाषा फ्रेंच जर्मन इटालियन रशियन पुर्तगीज या फिर डच अरे यू मैं की केक भी अपुर लिपि नहीं छ बल्कि सब एक ही लिपि छ और वाच रोमन अरे जब इतका भाषाओं की एक लिपि हो सकत रोमन तो हमर गढ़ल भाषा की लिपि देवनागरी क्यों नहीं हो सकत। ये प्रमाण छ कि गढ़ल बोली ना भाषा छ। महाराज कास आपकी ये स्पीच है इख का अधिकारी और नेता सुन लेना ना तो गढ़वाली भाषा थे आठवीं अनुसूची में डाल दिंदा। अरे पर क्या कन हम गरीब होता कहन पूछना है ना हमारे भाषा की एन हालत हुई है चा कि भाषा में काम करवो हम तो हास्य कलाकार हो जानो पिछले भी तुम पढ़े आ चा। अगर हम अपनी बोली भाषा में काम करना चा और आप हम दो का जान के पीछे पूरे अच्छा तो हमसे पहले पूर्ण नरेंद्र सिंह ने की वे चली जा। अरे मूर्ख मानव अरे मैं गढ़वाली यमराज छो औरों की तरह मैं भी नरेंद्र सिंह नेगी जी को फैन छो। अगर मैं उनका प्राण हैरी के ले जो लू तो अच्छा अच्छा गढ़ल गीत कह सुनू। मेरी तरफ से तो नरेंद्र सिंह नेगी सैकड़ों साल जिए। अरे तुम तो पापी छो पापी तुम तेता मुन नहीं पढ़ लो। अरे भाजी अब क्या होल आज तो बहुत ही घर नहीं महाराज कोई उपाय बताओ महाराज। अरे तुम दुयोला पर पूरे जीवन मा अगर एक भी नेक कार्य करूं तो मैं ते बताओ मैं तुम दियो थे प्राण दान दे दियूल। महाराज हमने अपना पूरा जीवन मा गढ़ोली भाषा मा लोगो थे है सच है और हमने अपनी बोली भाषा को प्रचार और प्रसार के ये उत्तराखंड मा तो बोला महाराज हमने कोई धर्म को काम नहीं करी का। तुम बोली यमराज चित्त प्रसन्न कह रहेल चित्रगुप्त यूं ते प्राण दान दिए जा। दे दिया महाराज दे दिया वन भी गढ़वाली भाषा जो जे मन नीचे अगर एक बार भाषा मुर्गी ना तो समझा हम लोग मां गढ़वाली डिपार्टमेंट बंद और डिपार्टमेंट बंद क्या हुई कि मेरे और आपकी छुट्टी। और तुम समझना लग गया ना कि बेरोजगारी कद का हुई आजकल या के वजह से भाषा तो जीवित रखना खुणे यू दोयों को बचना जरूरी छ। चलो ठीक छ अब तुम निर्भय होकर जियो तो चलो चित्रगुप्त। अरे कख अरे वो मंत्री और अधिकारियों का प्राण लेना खुणे जो हमारे भाषा का घोर विरोधी छी। अरे चला भगिन बाबा अभी तो गायब भगिन भाई ठीक भाई अब गायब भगिन ठीक पर एक बात मीठे बधाई देती बधाई क्या के अबे मैं बच गयो ते मीठा कौन सा दगड़ में ली गया मैं भी तो यहाँ पीछे हूँ बोला। हाँ भाई जी आज अपनी ही भाषा का कारण मैं या हम दी आदि मन से बच गया। बिल्कुल ठीक बात तो बोला आज हम कसम खाना कि अपनी ये गढ़वाली भाषा थे मन नहीं जोला। बिल्कुल ठीक भाजी तो भाजी मिला हाथ। हाँ।